तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, बट मैं सोच ही रहा हूँ इस तरह से अभी अभी जो बस पहले डिलीवरी लेनी है, पेपर वर्क पूरा करके बस मिलते हैं थोड़ी देर में। इतना ब्यूटीफुल शोरूम है, अमेजिंग अमेजिंग बाइक्स सामने खड़ी हैं, वाओ। तो पेपर वर्क चल रहा है, बस पेपर वर्क करके डिलीवरी ले लेनी है। मुझे कुछ मेरी अपनी कैलकुलेशन हैं कि मैं एग्जैक्टली कितने रुपए की मुझे ये बाइक पड़ रही है ऑन रोड सब कुछ मिला के। गाइस ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल राइडिंग जैकेट्स बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और ये टी शर्ट्स का सेक्शन, ये ग्लव्स का सेक्शन रॉयल एनफील्ड का। स्टार्ट हुई थी कंपनी तो ऐसा कुछ आता था, हाइब्रिड सिस्टम लगता है मतलब साइकिलिंग एंड मोटर। यहाँ से इमर्ज होते होते ये क्रूजर लुक में 1924। इंडिया में बुलेट 1956, कॉन्टिनेंटल 1964, इंटरसेप्टर, थंडरबर्ड का अपग्रेडेड और मॉडलर सा वर्जन है मेटियोर, ये क्लासिक 500। कॉन्टिनेंटल GT, हिमालयन 2015 में आई थी, हिमालयन इंटरसेप्टर 650। जर्नी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाइक्स। ये स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 350, मेरा इसको लेने का मन था पहले बट फिर कैंसिल हो गया। ये देखो ये GT, कॉन्टिनेंटल GT 650 cc, अमेजिंग ब्यूटीफुल मशीन, ये बहुत प्यारी मशीन है। देखो तो ज़रा क्या ब्यूटी है इसकी, आई मीन डबल साइलेंसर्स इधर उधर दोनों तरफ साइलेंसर्स, बहुत सुंदर। इसको देख के मुझे पता नहीं क्यों बार बार टॉम क्रूज की याद आती है मिशन इम्पॉसिबल को देखने की। ये एक और कॉन्टिनेंटल GT ब्लू ब्लैक कलर विद ड्यूल साइलेंसर, ब्लैक टोन में आती है ये साइलेंसर, इसके बहुत ही सुंदर लग गया। वाओ क्लासिक 350 क्रोम एंड ब्राउन कलर, रॉयल लुक है बाइक की नो डाउट इन दैट, बहुत ही सुंदर लग रही है बाइक। गाइस ये हेलमेट्स देखो, हाफ फेस फुल फेस, बाइक रेडी हो रही है तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है उसमें। तो यहाँ रही बाइक आई, बाइक को हाइड्रोलिकली अपलिफ्ट किया गया है और इसमें एक्सेसरीज लगी हुई जो जो हैं। मेटियोर रेडियो के आ चुका है, गाइस फर्स्ट टाइम इसको ऑन करने के लिए जय श्री राम। ये ट्रिपल मीटर है इसका,
इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, कोड बता रहा है ये, इस कोड को डालना है मुझे बस अपने ऐप में। बस गाइस ये रेडी टू गो एंड जो टाइम मेरे फ़ोन पे हुआ है वही टाइम यहाँ पे हुआ है। सो गाइस ये रही हमारी राइड, अब घर जा रहा हूँ वापस, मतलब फ्लैट सारा काम हो गया, जो भी पेपर वर्क था सब कुछ कंप्लीट एंड अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे, यू मस्ट नो डैट, बट मैं सोच नहीं रहा हूँ उस डायरेक्शन में, बट मज़ा आ रहा है। आई होप आपको भी ये जर्नी अच्छी लग रही हो मेरी, जो मुझे जानते हैं पर्सनली बहुत अच्छे से, उनको पता है कि क्या था मेरा सपना, कैसे कैसे मैं क्या करना चाहता था एंड फाइनली थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग मी, फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर गिविंग सपोर्ट। तो गाइस सच में ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग कि हाँ कुछ सोचा था कि ऐसा करूँगा फिर ये करूँगा और वो हो रहा है। एंड ऑब्वियसली लोगों के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेरे भी बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बट ये जो ड्रीम था ये एक प्रैक्टिकल ड्रीम था। और मैं ये डिडोर चौक है यहाँ पे, यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मुझे राइड जाना है हाईवे पे। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं ये प्रैक्टिकल ड्रीम था, मतलब ड्रीम्स तो बड़े बड़े होते हैं, ऑब्वियसली बड़े बड़े ड्रीम हैं अभी भी, उनके ऊपर वर्क करना है अब, बट ये जो ड्रीम था ये वाली बाइक का ये एक प्रैक्टिकल ड्रीम था, प्रैक्टिकल ड्रीम जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ये है भी रेंज में, वैसा ड्रीम्स लोग बहुत बड़े बड़े देखते हैं, मेरे भी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स आगे चढ़ते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए बस यही है। करूँगा बात में इस पर, अभी आप इंजॉय करो यहाँ वहाँ रोड, आई होप आपको मज़ा आ रहा हो देखेगा। बाइक को पार्किंग में पार्क कर दिया है, बाइक तो पार्किंग में पार्क है बट मेरा दिल और दिमाग अभी भी वहीं पे ही है, मन कर रहा है और चलाऊं,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ, ड्रीम्स सच होते हैं। हाँ, ये ड्रीम था मेरा एक बाइक लेना, एक क्रूज़र टाइप बाइक लेना, एक ट्रैवलिंग टाइप टूरिंग बाइक लेना, तो वो ड्रीम पूरा हुआ। एंड ऑब्वियसली सबकी आपकी ब्लेसिंग्स एंड ऑल का ही नतीजा है, और तो मैं क्या ही था, कुछ भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच। एंड गाइस बस प्लीज़, आपके भी कोई ड्रीम्स होंगे तो बस स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, क्योंकि ड्रीम्स सच होते हैं। सो गाइस, जस्ट फिगर आउट व्हाट योर ड्रीम्स आर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, क्योंकि ड्रीम्स रियली में सच होते हैं, मेरे भी हुए हैं, बस उनके ऊपर वर्क करना होता है। एंड वो ड्रीम्स जब सच होते हैं तो आपको एक फीलिंग फील होगी, सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग, तो वो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होगी तो वो आपको एक अच्छा फील करवा रही होगी, वो आपको सेटिस्फाइड फील करवा रही होगी कि हाँ, आपने कुछ एफर्ट्स किए थे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए एंड वो ड्रीम पूरा हो चुका है। सो गाइस, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड देखते रहना विन ब्लॉग्स। बाय।